नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। बंगाल की सियासत काफी दिलचस्प हो चली है। बंगाल में जहां बीजेपी ने ममता सरकार को सत्ता से हटा देने का मानो प्रण ले लिया है, तो वहीं ममता दीदी भी बीजेपी की रणनीतियों में उसे फेल करने के लिए साम दाम दंड भेद सभी का इस्तेमाल कर रही हैं। जुबानी तीर के साथ साथ बीजेपी के नेताओं पर लाठी और पत्थरों से भी हमला करवा रही है। ऐसे में बिहार की जीत से उत्साहित तो वैसी भी है जब बंगाल की तरफ रुख कर लेना चाहते हैं, बंगाल में दीदी की मदद करना चाहते हैं, जिसकी वो पहले भी पेशकश कर चुके हैं। कह चुके हैं कि वो दीदी की बंगाल फतह करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन दीदी को तो ओवैसी फूटी आंख नहीं सुहा रहे। दीदी तो लगातार ओवैसी पर तंज भरा रुख अख्तियार किए हुए हैं। बंगाल के जलपाईगुड़ी में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए दीदी कहती हैं, अल्पसंख्यकों के वोटों को विभाजित करने के लिए बीजेपी ने हैदराबाद की एक पार्टी AIMIM को पकड़ा है। बीजेपी उन्हें पैसे देती है और वो वोटों को बांटने का काम करते हैं। बिहार चुनाव में भी ये देखा गया है। ममता दीदी के मुताबिक ओवैसी सबसे बड़े चोर हैं। ममता दीदी आगे कहती हैं कि बीजेपी से बड़ा कोई चोर नहीं, वो चंबल के डकैत हैं। उन्होंने 2014, 2016 और 2019 के चुनावों में कहा कि 7 चाय बागान दोबारा खोले जाएंगे और केंद्र सरकार उनका अधिग्रहण करेगी। वो अब नौकरी के वादे कर रहे हैं, वो अब ठग रहे हैं। बीजेपी और केंद्र सरकार पर भी ममता बनर्जी ने हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी ने समुदायों के बीच दंगों और नफरत को नया धर्म बनाया है। ममता बनर्जी ने बीजेपी को चुनौती दी कि वो देश का राष्ट्रगान बदल कर दिखाएं, उन्हें माकूल जवाब मिलेगा। ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी बंगाल को दंगाग्रस्त गुजरात में बदलना चाह रही है। गुजरात दंगे जो साल 2002 में हुए थे, जिसमें पीएम मोदी का भी नाम शामिल था, लेकिन अब कोर्ट की तरफ से उन्हें बरी कर दिया गया है, निर्दोष करार दे दिया गया है। उसके बाद भी ममता बनर्जी गुजरात का नाम लेकर बीजेपी को बदनाम करने की कोशिशों में लगी हुई है। किसी भी तरह अपने हाथ से सत्ता जाती हुई नहीं देख सकती है। शायद यही वजह है जो ओवैसी और बीजेपी को एक ही तराजू में तौल रही है। फिलहाल ओवैसी पर ममता बनर्जी की गई टिप्पणी पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। हमें बताएं कि क्या आपको भी लगता है कि ओवैसी बीजेपी की बी पार्टी है। अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें।